नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। हमारे पास काफ़ी बच्चों का फ़ोन आता है और वो हमसे कहते हैं कि सर मैथ्स हमसे नहीं हो पा रही है, इंग्लिश बहुत टफ है सर, सर जीके हम लोग कैसे तैयारी करें सर, इतना ह्यूज है कंटेंट, तो क्या हमें पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना। तो इनिशियली हर चीज़ टफ लगती है, ये एक बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनको साइकिल चलाना आता है, स्टार्टिंग में कितना टफ लगता है, और अभी भी आप पूछ लीजिए जिन बच्चों को साइकिल चलानी नहीं आती उनसे पूछ लीजिए कि साइकिल चलाना कितना टफ़ है, तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें साइकिल चलाने का मन करता है और हमें नहीं आती तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली उसको चलाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, चोट भी लगती है हमारी, लेकिन वो जो पैशन हमारे अंदर रहता है या वो जो इंटरेस्ट हमारा रहता है साइकिल सीखने में, उसके वजह से एट द एंड ऑफ द डे हम साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछेंगे जिसको साइकिल चलानी नहीं आती तो वो कहेगा साइकिल चलाना इज़ अ वेरी टफ जॉब। उसी तरीके से अगर आप मैथ्स नहीं कर पाते हो, इंग्लिश में अभी अच्छे नहीं हो, या जीके में आपको समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है, तो फिर से इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को ट्राई करना है, पढ़ना है। एक ऐसी स्टेज आएगी जैसे साइकिल चलाने में आती है, जैसे बैलेंस बनता है लगता है कि यार ये तो कितनी आसान है, इसी तरीके से एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको लगेगा, जब आप इंग्लिश के सारे रूल्स पढ़ लेंगे आपको लगेगा इंग्लिश इज़ वेरी इजी, अगर आप मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स कितनी आसान है। उसी तरीके से जीके में भी है, जब आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो चीज़ें माइंड में रहती है, चार ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं और बहुत ईजिली क्लिक कर जाता है कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। ओके, तो मैं फिर से लास्ट में नटशेल यही बच्चों से कहना चाहूँगा, डोंट लूज होप। अगर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं अगर आपको टफ लग रहा है तो ये सही चीज़ है, इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करें, कंटिन्यूसली चीज़ों को प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली एक दिन आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट। लिंक फॉर द ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।